गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैंने सोचा, बहुत लेट सी उठी हूँ तो अभी मुझे भूख लगा है, तो मुझे अभी कुछ खाना बनाना है लंच के लिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ प्रॉन ग्रेवी। तो चलिए गाइस, मैं दिखाती हूँ मैं किस तरह से आज का सिंपल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओके गाइस, तो ये मैंने प्रॉन लिया है आधा केजी, और ये है ऑनियन, और ये है मैंने ऑलरेडी पीस पीस करके पोटैटोस को काट के रखी हूँ। ये है करी लीफ, ये है ग्रीन चिली, ये है टमाटो, ये है लहसुन, और ये है जिंजर। तो चलो मैं दिखाती हूँ एक्चुअली मैं क्या करने वाली हूँ। ये सारा ऑनियन जो है, ग्रीन चिली, टमाटो, लहसुन, जिंजर, ये सबको मैं मिक्सी में डाल के पेस्ट करने वाली हूँ। और जो पोटैटोज है उसको मैं थोड़ा सा बॉईल कर लूँगी, क्योंकि तो अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ओके, तो मैंने ऑलरेडी पोटैटोज को बॉईल में बिठा दिया है। थोड़ा एक दो मिनट के बाद वो बॉईल हो जाएगा, फिर हम लोग को निकाल लेना है। ओके, तो मेरा यहाँ पे पानी गर्म हो गया है, तो आलू भी गर्म बॉईल हो गया है, तो मैं अभी इसको बंद कर ले रही हूँ। और ये पेस्ट भी, सारा मसाला का पेस्ट भी मैंने बना लिया, जो जिंजर गार्लिक सारा था उसका मैंने पेस्ट बना लिया मिक्सी में। ओके, तो मैंने आलू को बॉईल करके सेपरेट प्लेट में रख लिया है। अभी मैं कढ़ाई में ऑयल डालने वाली हूँ, तो उसके बाद मैं फिश को, प्रॉन को थोड़ा फ्राई कर लूँगी और आलू को भी थोड़ा फ्राई कर लूँगी। ओके, तो कढ़ाई गर्म हो गया है, अभी मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ओके, तो तेल गर्म हो चुका है, आप लोग देख सकते हो उसे स्मोक आ रहा है। तो अभी मैं फिश को उसमें फ्राई कर लूँगी। प्रॉन को मैंने पहले से थोड़ा सा हल्दी मिला के रखा हुआ था सेपरेटली, और अभी प्रॉन फ्राई हो रहा है। प्रॉन अच्छे से फ्राई होगा, उसके बाद ही मुझे उसको निकाल के आलू को फ्राई करना है। अभी थोड़ा टाइम लेगा प्रॉन फ्राई होने में। तो प्रॉन पूरा फ्राई हो गया है, आप लोग देख सकते हो पूरा फ्राई हो गया है, रेड रेड हो गया है। तो अभी मैं इसको निकाल लूँगी कढ़ाई से। तो प्रॉन को मैंने सेपरेटली कर लिया है, आप लोग देख सकते हो प्रॉन फ्राई हो गया है। तो मैं इसी फिश फ्राई के ऑयल में आलू को थोड़ा फ्राई कर लूँ। तो मैं आलू को थोड़ा फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा फ्राई, तभी अच्छा लगेगा ग्रेवी के अंदर। और मैं जो करी लीफ लिया था, करी पत्ता, तो उसको भी थोड़ा आलू के साथ फ्राई कर ले रही हूँ, तो उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी आलू के फ्राई के साथ मैं डाल दे रही हूँ, तो फ्राई थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। और कैसा लग रहा है आप लोग भी ट्राई कीजिए घर में, तो मुझे बताइए। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, थैंक यू। आलू पूरा फ्राई हो चुका है, अभी मैं आलू को सेपरेट उठा लूँगी। ओके, तो मैं आलू को उठा ले रही हूँ, लोग देख रहे हो आलू अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अभी मैं उसको उठा के रख रही हूँ। तो मैंने ये थोड़ा सा पाँच फ्रॉन ऑयल में डाल दे रही हूँ। ये थोड़ा जीरा है, जीरा गम बोलते हैं, तो जीरा भी डाल दे रही हूँ उसी ऑयल में। थोड़ा सा उसको हिला दिया क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है, तो हो गया। तो ये जो मैंने पेस्ट बनाया था, तो वो पेस्ट को मैं डाल दे रही हूँ। डाल दिया मैंने पूरा पेस्ट को, अब ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी मैं उसको। मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर रही हूँ,
अगर आप लोग चाहे तो उसको स्किप कर सकते हो या तो आप वाइट ऑयल से बना सकते हो। मैं मस्टर्ड ऑयल इसलिए लिया, थोड़ा सा ना स्पाइसी बनेगा और थोड़ा टेस्ट भी उसका अच्छा रहेगा। तो मैं थोड़ा सा इसमें पूरा मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, तकरीबन 2 स्पून तक मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल। ये ख़त्म भी हो गया है, आप लोग देख ही सकते हो। तो मैं थोड़ा डाल दिया ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से इसको फ्राई करना है जब तक उसका स्मेल अच्छे से नहीं आता है। और मैंने 3 रेड चिली भी ले लिया है जो ये थोड़ा सा और स्पाइसी बनाएगा, और मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है तो ये थोड़ा सा और फ्लेवर को अच्छा बनाएगा। तो इसलिए मैंने उसको तोड़ के इसमें फ्राई कर रही हूँ। बहुत इजी प्रोसेस है क्योंकि मैंने पहले ज़्यादा ऑयल ले लिया था, तो उसी ऑयल से मेरा आलू भी फ्राई हो गया, फिश भी फ्राई हो गया और मसाला भी फ्राई हो गया। तो आपको ज़्यादा ऑयल वेस्ट नहीं होगा, तो आप ऑयल को सेव करते हुए आपका खाना भी टेस्टी बनेगा। ओके, आप लोग देख सकते हो तो ये ऑलमोस्ट भुन गया है मसाला, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो रहा है। तो अभी मैं इसके साथ थोड़ा सा मसाला भी डालती हूँ। तो ये है आपका जीरा, गम, धनिया, सारा हम लोग घर में ही मसाला बनाता है तो सारा इसमें मिक्स किया हुआ होता है। तो इसको मैंने ऑलमोस्ट 1 स्पून ला लिया। जीरा बोलते हैं ना, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सारा एक ही साथ में डाल दिया। और मैं थोड़ा सा हल्दी लिया, हल्दी भी डाल दिया इसमें, चिली पाउडर, घर का बनाया हुआ चिली पाउडर, तो इसको मैंने 1 स्पून लिया और थोड़ा सा ऐड किया। चिली पाउडर आप लोग अपने से देना, क्योंकि कोई कोई ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करता है तो कोई नॉर्मल वाला, या तो कोई पसंद ही नहीं करता है, तो वो आप लोगों के हिसाब से चिली पाउडर ऐड करना उसमें। ओके, देखिए तो ये अच्छा से पेस्ट जैसा हो गया है, मसाला ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है, इसका स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है, जैसे कि रेस्टोरेंट का खाना हो। आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लगा है घर का बनाया हुआ प्रॉन का ग्रेवी। टमाटर थोड़ा पीस पीस करके रखा है, वो भी ऐड कर दिया। तो ये थोड़ा, इसको मैंने मिक्सी में नहीं डाला, मैंने सेपरेटली टमाटर को डाला, तो उसका ना अच्छा फ्लेवर बनता है। तो ये मेरा ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। अभी इसके अंदर थोड़ा मैं पानी डाल के थोड़ा इसको बॉईल कर लूँगी, फिर जब ड्राई ड्राई हो जाएगा तो मैं फिर उसको आलू डालूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरा कोको का साउंड इग्नोर करना, वो हमेशा चिल्लाता रहता है। मैंने पहले के वीडियो में भी बोला है, वो हमेशा चिल्लाता रहता है, उसी का नॉइज़ रहता है मेरे घर में। तो सॉरी फ्रेंड्स, आप लोग मेरा वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, नहीं तो आपका खाने का मज़ा ही नहीं आएगा, बनाने का मज़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो आप लोग स्किप मत करना, लास्ट तक देखिए प्लीज़। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, वो जो मिक्सी में मैंने बनाया था उसी मिक्सी जार में मैं पानी डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब मैंने उसको हाई फ्लेम में बॉयल करने के लिए रख दिया। थोड़ा सा बॉईल होने के बाद फिर ड्राई हो जाएगा जब, तब मैं उसमें आलू डालती हूँ। ओके, तो मसाला अच्छा से बॉईल हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो मैंने सोचा कि अभी हो गया है ऑलमोस्ट, अच्छा सा थिक ग्रेवी जैसा भी दिख रहा है मुझे, तो अच्छे से बॉईल हो गया सारा मसाला। तो अभी मैं आलू को डाल दे रही हूँ उसके अंदर। तो एक साथ में बॉईल हो जाएगा तो जल्दी भी हो जाएगा। आलू इसमें डाल दे रही हूँ मसाला के अंदर।
तो आलू को मैंने डाल दिया मसाला के अंदर। अब थोड़ा देर मैं उसको ढक के रखूँगी तो जल्दी बॉईल हो जाएगा। तो थोड़ा देर मैं उसको ढक दिया, तो अब मैं इस बॉईल में सॉल्ट भी डाल दे रही हूँ। सॉल्ट जो है ना वो आप लोग अपने टेस्ट के ऊपर देना, क्योंकि किसी को कम लगता है तो किसी को ज़्यादा सॉल्ट चाहिए होता है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट लेती हूँ। देखते हैं कैसा अंदर में बॉईल हो गया है या नहीं। ओके, तो अच्छा से बॉईल हो रहा है, देखते हैं कैसा बॉईल हो गया। ओके, आलू अच्छा से बॉईल, थोड़ा और 5 मिनट लगेगा बॉईल होने में और ग्रेवी भी थोड़ा सा ड्राई होने में। स्मेल तो बहुत ना अच्छा स्मेल आ रहा है, वाव, भूख लग गया मुझे और ज़ोर से। तो मैंने प्रॉन को डाल दिया है अंदर में, तो अच्छा से प्रॉन और आलू को अच्छा से बॉईल हो जाने के बाद 5 मिनट तक, उसके बाद मैं निकाल लूँगी। तो धनिया पत्ता भी इसमें डाल दे रही हूँ, तो इसके साथ अच्छा से बॉईल भी हो जाएगा क्योंकि उसका फ्लेवर तब और ज़्यादा आएगा। तो मैंने धनिया पत्ता को भी अंदर में डाल दिया, तो थोड़ा सा और बॉईल हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा मेरा प्रॉन ग्रेवी। और इसको तो मैंने दिखाया नहीं है, ये जो बेबी ये वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हुई बैठी है, देखो सारा हेल्प मुझे जो ने किया। तो आओ चलो मैं दिखाती हूँ, मेरा फिश ग्रेवी रेडी हो गया। तो ऑलमोस्ट मेरा फिश ग्रेवी रेडी हो गया है, आप लोग देख सकते हो अच्छा से बॉईल हो गया है, कलर भी अच्छा आया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालती हूँ, टेस्ट ज़्यादा आएगा, फ्लेवर भी आएगा। तो मैं थोड़ा सा लगभग एक स्पून से उसका फ्लेवर अच्छा आता है, तो मैंने एक स्पून ऑलमोस्ट डाल दिया है, मुझे आइडिया हो गया है। अब थोड़ा सा फिर से मैं इसके ऊपर धनिया पत्ता डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा और ज़्यादा फ्लेवर आएगा। सकते हो बहुत ही टेस्टी और यमी लग रहा है। तो मैंने आज का लंच कर लिया है रेडी, प्रॉन ग्रेवी विथ राइस। तो आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करो और मुझे कमेंट्स करो कि आप लोगों को कैसा लगा, बहुत ही टेस्टी और यमीदार है। ये है बंगाली प्रॉन करी विथ पोटैटोस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग मी। तो आप लोग वेट कीजिए फॉर माई नेक्स्ट ब्लॉग। सी यू, बाय बाय, थैंक यू।